तो ये हमारे पास अब एक लंग है, लेकिन पहले सबसे पहले हम इसकी सारी डिटर्मिनेशन करेंगे कि ये कौन सी साइड का लंग है। तो हमने इसके फिशर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड का लंग है। यहाँ पे हमें दो फिशर नज़र आ रहे हैं, ये वाला फिशर नहीं है, ये लंग को वैसे सेपरेट किया गया है मॉडल के अंदर। यहाँ पे अब दो फिशर हैं, एक ऑब्लिक फिशर है ये वाला और एक हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो दो फिशर हैं और टोटल तीन लोब बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये साइड ये पता चल जाता है कि ये राइट साइड का लंग है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी ये वाली सर्फेस होती है, ये इसकी कोस्टल सर्फेस होती है, और इस साइड के ऊपर आपको बड़ी मार्गली ये रिब्स के इंप्रेशन है ये भी नज़र आ रहे होते हैं। तो ये कोस्टल सर्फेस होती है। फिर इसकी नीचे वाली जो सर्फेस होती है वो डायफ्रामेटिक सर्फेस होती है, यानी कि ये वो सर्फेस है जहाँ पे ये डायफ्राम के ऊपर लाए कर रहा है। और फिर इसकी जो मीडियल स्टैंडर्ड सर्फेस होती है उसे दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक जो बैकवर्ड होता है या पोस्टीरियर साइड के ऊपर होता है उसे हम वर्टिब्रल साइड कहते हैं, या फिर उसका वर्टिब्रल पोर्शन होता है। और जो आगे वाली सर्फेस होती है वो इसकी मीडियल स्टैंडर्ड सर्फेस होती है। अब जैसे ही हमें पता है कि राइट साइड क्या है, राइट साइड का लंग है, तो राइट साइड के लंग के ऊपर कार्डियक इंप्रेशन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता और यहाँ पर लिंग्यूला नहीं होता, लेफ्ट लंग के अंदर लिंग्यूला होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूट वाले पोर्शन को हम फोकस करते हैं। रूट वो पोर्शन होता है जहाँ पे कोई भी वेसल या न्यूरोवेस्कुलर बंडल, नर्व वगैरह, वो लंग के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। और इसकी जो बाउंड्री ये बनी हुई है ये पल्मोनरी लिगामेंट है। अब यहाँ पर दो ब्रोंकस पड़े हुए हैं, दो ब्रोंकस और उनके पास एक आर्टरी पड़ी हुई है, एक अप आर्टेरियल ब्रोंकस है और एक हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस है। और इनके साथ जो आर्टरी पड़ी है ये है पल्मोनरी आर्टरी और इसके साथ जो ऊपर पड़ी है सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, और ये नीचे वाली जो है ना ये इन्फीरियर पल्मोनरी वेन है।